8 अप्रैल से बंद बाजार 64 दिन बाद प्रतिबंधों से मुक्त हो रहे हैं। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद रात कलेक्टर मनीष सिंह ने कुछ गतिविधियों को छोड़कर बाकी बाजार सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे तक संचालित करने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि अभी रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 6 बजे तक होगा। मंत्री तुलसी सिलावट व सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि 7 दिन पॉजिटिव दर पर नजर रहेगी, यदि बढ़ोतरी हुई तो आपदा समूह समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा। छतरपुर जिले के बक्सवाहा की बंदर हीरा खदान के लिए जंगल काटे जाने का विरोध बढ़ता जा रहा है। सरकार 3.42 करोड़ कैरेट हीरो के लिए इस जंगल के 2.15 लाख पेड़ कटवाने की तैयारी कर रही है। इन्हें बचाने के लिए आंदोलन होने लगा है। देश भर के लोगों ने सोशल मीडिया पर सेफ बक्सवाहा फॉरेस्ट अभियान शुरू किया है। 50 से अधिक संस्थाएं इसके विरोध में लामबंद हैं। फिलहाल कोरोना संक्रमण को देखते हुए जंगल बचाने का विरोध सोशल मीडिया पर चल रहा है। जैसे ही संक्रमण की स्थिति में सुधार होगा लोग बक्सवाहा पहुंचेंगे, जहां जंगल बचाने के लिए जरूरत पड़ी तो चिपको आंदोलन भी होगा। बक्सवाहा के जंगल की जमीन में 3.42 करोड़ कैरेट हीरे दबे होने का अनुमान है। इन हीरों को निकालने के लिए 382.13 हेक्टेयर का जंगल खत्म किया जाएगा। इस जमीन पर वन विभाग ने पेड़ों की गिनती की तो 2,15,875 पेड़ हैं। इन सभी पेड़ों को काटा जाएगा। इनमें करीब 40,000 पेड़ सागौन के साथ केम, पीपल, तेन, जामुन, बहेड़, अर्जुन जैसे औषधीय पेड़ भी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सुबह 11:40 पर सागर के बीना में 200 ऑक्सीजन बेड के अस्थाई कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया। साथ ही BPCL द्वारा लगाए गए ऑक्सीजन बॉटलिंग एंड रिफिलिंग प्लांट का शिलान्यास भी किया। इस दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। इसके बाद CM अपने गृह क्षेत्र बुधनी में एकलव्य विद्यालय परिसर में 300 बेड का अस्थाई कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया। कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखकर बुधनी में 300 बेड का अत्याधुनिक कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। खास बात यह है कि इस कोविड केयर सेंटर में बड़े अस्पताल की तरह सुविधाएं होंगी। इसमें अस्पताल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ऑक्सीजन युक्त 100 बेड लगकर तैयार हैं। सेंटर में बच्चों के लिए 50 बिस्तरों का वार्ड अलग बनाया जाएगा। यहां 6 चिकित्सा अधिकारी और 15 स्टाफ नर्स सहित टेक्निकल स्टाफ भी तैनात रहेगा, जो शिफ्ट वाइज ड्यूटी करेंगे। यहां मरीजों को कंप्लीट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार 12 जून को दोपहर 2:20 बजे हेलीकॉप्टर से बुधनी पहुंचे। कहते हैं राजनीति में वो सब हो सकता है जो कभी सोचा भी नहीं होगा। एक समय ऐसा था जब हिंदूवादी छवि के भाजपा नेता व पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। सिंधिया परिवार को महलों में रहने वाला कहकर चांदी की चम्मच से खाने वाला बताकर पवैया चुनाव के मैदान में उतरे थे। काफ़ी हद तक सिंधिया को हार के करीब भी ले आए थे, पर 23 साल की दुश्मनी के बाद अब दोस्ती की नई शुरुआत होती दिख रही है। शुक्रवार शाम सिंधिया जयभान सिंह के घर पहुंचे, 25 मिनट यहां ठहरे, फिर बाहर निकलकर बोले, नया संबंध नया रिश्ता कायम करने का प्रयास किया है। जबकि पवैया ने कहा कि पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे। राजनीतिक मायने नहीं निकाले, एक कार्यकर्ता के दुख बांटने से ज़्यादा कुछ नहीं है। जैविक कृषि के जानकार और गांधीवादी विचारक पद्मश्री कुट्टी मैनन का इंदौर में एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया था। देर रात तक स्थिति में कोई सुधार न होने के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। कुट्टी मैनन को उनकी सेवाओं के कारण और 1991 में पद्मश्री से विभूषित किया गया था। इसके पहले उन्हें इंदौर में कस्तूरबा गांधी के नाम पर स्थापित कस्तूरबा ग्राम में उनके जैविक खेती और पर्यावरण मित्र सिंचाई के लिए योगदान के लिए 1979 में प्रतिष्ठित जवनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बता दें कि मूलतः केरल के त्रिशूर जिले के कुडुलूर कस्बे में 1940 में जन्मे कुट्टी मैनन एक बार इंदौर आए तो वो यहीं के होकर रह गए। जबलपुर जिले में वैक्सीनेशन को तगड़ा झटका लगा है। वैक्सीनेशन की कमी के चलते यहां 11 जून को वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। वहीं 24 स्थानों पर सिर्फ सेकेंड डोज लगेगा। इनमें से 18 स्थानों पर कोवैक्सीन और 6 स्थानों पर कोविशील्ड के टीके लगाए जा रहे हैं। 24 सेंटर्स में 6 स्थानों पर ही 18 प्लस वालों को वैक्सीन लगेगी।
शेष सेंटर्स पर 45 प्लस वालों का टीका लगेगा। जिला टीकाकरण अधिकारी शत्रुघ्न दाहिया के मुताबिक वैक्सीन की 15,000 डोज प्राप्त हुई थी। अभी कंप्लीट इम्यूनिटाइजेशन को प्राथमिकता देने के निर्देश मिले हैं। इस कारण पहला डोज लगवा चुके लोगों को सेकेंड डोज लगवाने का निर्णय लिया गया है। रविवार तक कोविशील्ड की 23,000 डोज मिलने की संभावना है। इसके बाद सोमवार से जिले में फर्स्ट डोज भी लगाया जाएगा। एसटीएफ की टीम ने देर रात छोटा सराफा में कार्रवाई करते हुए चार कारोबारियों को हिरासत में लिया है। कारोबारियों के पास से 3 किलो 75 ग्राम सोना और 1 करोड़ नकद बरामद हुए हैं। अधिकारियों की माने तो कारोबारी एरोड्रम क्षेत्र के महावीर कृपा एवेन्यू में रहने वाले रवि जैन, योगेंद्र जैन, अरविंद नीमा और दिनेश जैन हैं। आशंका जताई जा रही है कि यह सोना तस्करी का हो सकता है। एसटीएफ की आशंका है कि इन कारोबारियों के तार अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। एसटीएफ द्वारा आयकर विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है। वहीं एसटीएफ ने चोरी शंका में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। राजधानी के अनलॉक होने पर बाजार खोलने की अनुमति तो दे दी गई है, लेकिन कोचिंग क्लासेस अब भी बंद है। यहां केवल ऑनलाइन ही पढ़ाई की जा सकती है। अब कोचिंग संचालकों ने 50% क्षमता के साथ ही कोचिंग संचालन की मांग की है। शहर में कोचिंग संचालकों की हर महीने 20 से 25 करोड़ रुपए की आय होती है। सालाना कोचिंग संचालकों की आय करीब 250 करोड़ रुपए होती है। कोचिंग संचालकों का कहना है कि पिछले साल भी कोचिंग लंबे समय तक बंद रही थी। इसके बाद 50% क्षमता पर संचालन की अनुमति मिली थी, लेकिन फिलहाल उसे भी बंद कर दिया गया है। कोचिंग संचालकों ने कहा कि अधिकांश कोचिंग एमपी नगर और आसपास के क्षेत्रों में ही संचालित होती है। इनमें से ज़्यादातर किराए के भवन में लगती हैं। सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम को लेकर महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित लामबंद हो गए हैं। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ और महाकाल सेना ने मिलकर महाकाल थाने में एफआईआर दर्ज करवाने को लेकर आवेदन दिया है। दरअसल इंस्टाग्राम में भगवान शिव के हाथ में शराब का ग्लास व मोबाइल व कानों में हेडफोन लगे स्टिकर GIF इमेज पब्लिश की थी। इसे लेकर शिव भक्तों में आक्रोश है। मामले ने दिल्ली में हुई इंस्टाग्राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज के बाद तुल पकड़ा। उज्जैन में भी पुजारी व महामंडलेश्वर ने 2 दिन पहले एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही थी। बता दें कि विवाद बढ़ता देख इंस्टाग्राम ने विवादित स्टिकर हटा लिया था, लेकिन उज्जैन के शिव भक्त इंस्टाग्राम से माफ़ी मंगवाने और आगे से ऐसे कृत्य नहीं करने के लिए आश्वासन की मांग कर रहे हैं। मामले में थाना प्रभारी अरविंद सिंह तोमर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश में गुरुवार को मानसून ने बैतूल की तरफ से और तेजी से दस्तक दे दी है। राजधानी भोपाल में मानसून सक्रिय हो गया है। दोपहर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भोपाल में मूसलाधार बारिश हुई। 1 घंटे में करीब 1 इंच बारिश हुई। इसके अलावा गुना के बमौरी क्षेत्र में भी बारिश के साथ ओले गिरे हैं। ग्वालियर, इंदौर, होशंगाबाद, खंडवा में मौसम साफ है। यहाँ सुबह से तेज धूप है, उमस से लोग बेहाल हैं। वहीं सागर, छिंदवाड़ा में बादल छाए हुए हैं। प्रदेश के अनूपपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर, सीहोर, होशंगाबाद, बैतूल और देवास जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ बिजली चमकने और गिरने का येल्लो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि रीवा, इंदौर, ग्वालियर एवं चंबल संभागों में शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, राजगढ़, हरदा, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, अगर नीमच और मंदसौर जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ बिजली चमकने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।